नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पाठ दो नन्हा बीज पढ़ाएंगे। एक था नन्हा सा प्यारा सा गुलाब का बीज, उसका घर जमीन के नीचे था जहाँ बहुत अंधेरा था। एक दिन बीज घर में अकेला था। अचानक दरवाजे पर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, खट खट खट। बीज ने पूछा, कौन है? बाहर से एक प्यारी सी आवाज़ आई, मैं बारिश की एक बूंद हूँ। दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। बूंद की आवाज़ सुनकर नन्हा बीज डर गया। वह डरते डरते बोला, नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। बीज ने बोला, दरवाजा तो खोलो, हम सब खूब प्यारी प्यारी बातें करेंगे। बीज ने फिर कहा, नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता। बारिश की बूंद थक हार कर चुप हो गई। अब चारों ओर चुप्पी थी, चुप्पी का मतलब शांति थी। सारी रात बीत गई, सुबह हुई, फिर नन्हे बीज के कानों में एक मीठी आवाज़ गूंजी, खट खट खट। दरवाजा खोलो, मैं सूरज की किरण हूँ, मैं तुम्हें प्रकाश देना चाहती हूँ। नन्हा बीज डर गया, नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। कुछ देर बाद बीज को हर तरफ टप टप खट खट की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह परेशान हो गया। उसने पर्दा हटाकर खिड़की से देखा, बारिश की बूंद और सूरज की किरण अंदर आने के लिए व्याकुल हो रही थी। व्याकुल का मतलब परेशान हो रही। वे अंदर आना चाहती थी। बूंद और किरण एक बोली, दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो, हम तुम्हें बाहरी दुनिया में ले जाकर नया रूप देना चाहती हूँ। बाहरी दुनिया में ले जाकर का मतलब क्या होता है? पृथ्वी पर आकर के पृथ्वी की सौंदर्य उनको दिखाना चाहती थी। नन्हे बीज ने सुना था कि बाहरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। उसका मन ललचा उठा और उसने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही नन्हे बीज ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, वे दोनों अंदर आ गए। अंदर आते ही दोनों ने नन्हे बीज को अपने नन्हे नन्हे हाथों में उठा लिया। अब उसका डर छूमंतर हो गया। छूमंतर का मतलब समाप्त हो गया। फिर वे उसे शीघ्रता से धरती पर ले आए। अब उसका रूप ही बदल गया। और अरे यह क्या, इतना सुंदर बगीचा, चारों ओर सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल, रंग बिरंगे लाल गुलाबी पीले पीले खिले फूल। उसने चारों ओर देखा, सभी फूल उसके आने से प्रसन्न थे, मतलब खुश थे, मानो उसका स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद।